बारिश के कुछ देर बाद 2 दर्जन से अधिक सांप निकले। सर्प मित्र जितेंद्र सारथी ने सतर्क रहने को कहा, किया सफल रेस्क्यू। पूरे देश में जहां कोरोना वायरस लोगों को लगातार अपनी चपेट में लेते जा रहा है, यह चिंता का विषय है। इस महामारी से हमारा छत्तीसगढ़ राज्य भी अछूता नहीं रहा। वहीं कोरबा जिला में भी लगातार इस महामारी से ग्रसित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक ओर जहाँ इस महामारी से खतरा बढ़ा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर जमीन में रेंगने वाले मौत से भी खतरा मंडराने लगा है, जिसको रेस्क्यू करके सुरक्षित जंगल में छोड़ने का जिम्मा स्नेक रेस्क्यू टीम ने अपने कंधों में लिया है। अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी जान जोखिम में डालकर जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रेस्क्यू करने का काम कर रहे हैं। स्नेक रेस्क्यू टीम के प्रमुख जितेंद्र सारथी ने बताया कि जिले के अलग अलग क्षेत्रों से लगातार हम सांपों को रेस्क्यू कर रहे हैं, जिससे मानव जीवन के साथ इन जीवों की भी जान बच रही है। हमें अपनी जान की परवाह तो रहती है, पर हमारा कर्तव्य है जीवों के साथ लोगों की जान बचाना। कल की बारिश के बाद कुछ घंटों में ही लगातार सांप निकलने की सूचना मिल रही, जो एक चिंता का विषय है। इस वर्ष का पहला घोड़ा करत सांप मिलने पर जितेंद्र साथी ने चिंता जताया है, क्योंकि इसी करत सांप के दंश से ज्यादा मौत होती है, जो बिस्तर में चढ़कर काटता है। जितेंद्र साथी ने बताया कि जो पहला घोड़ा करायत मिला, वो भी एसएससीएल सुभाष ब्लॉक क्षेत्र के तपन नामक व्यक्ति के घर पर सोफे पर बैठा हुआ था। ऐसे ही कोरबा के अलग अलग क्षेत्रों से लगातार सांपों को रेस्क्यू किया गया, जिसके लिए सभी लोगों ने जितेंद्र सारथी और उनकी टीम का धन्यवाद किया, जो हर समय अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से कर रहे हैं। जितेंद्र सारथी ने बताया, हम वन विभाग से अधिकृत हैं, जिले के किसी भी क्षेत्र में जाकर सांपों को रेस्क्यू करते हैं। आमजनों से आग्रह किया है कि हमें सांप निकलने पर जानकारी दें, सांपों को मारे नहीं, उनका संरक्षण करना हम सब की जिम्मेदारी। बारिश होते ही सांप ऐसे निकलते हैं मानो सांपों की बाढ़ आ गई। इससे ये साबित होता है सांपों की संख्या में वृद्धि हो रही है, साथ ही लोग जागरूक हो रहे हैं, जो सांपों को मार नहीं रहे बल्कि रेस्क्यू टीम को लगातार जानकारी दे रहे हैं। सर, जैसा कि कल के बारिश के बाद हमको लगातार रेस्क्यू कॉल आ रहे हैं, जिसमें करीबन 20 से 25 अभी तक रेस्क्यू कॉल आ चुके हैं, जिसमें हम लगातार उनके घर पहुंच रहे हैं। कल बारिश जैसी हुई उसके बाद से फिर करीबन आधे एक घंटे के बाद रात में भी 12, 12:30, 1 बजे तक हमको लगातार रेस्क्यू कॉल आए, और सुबह से अभी हमको रेस्क्यू कॉल आ ही रहे हैं। हम लगातार उनके घर पर पहुँच रहे हैं, उनको सुरक्षित रेस्क्यू कर रहे हैं। और एक डर का विषय ये है कि इस सीज़न का, इस वर्ष का पहला जो अभी हमने देखा कि घोड़ा करायत देखने को मिला, जो कल एक मानिकपुर क्षेत्र पे मिला, इससे ये जाहिर हो रहा है कि अब घोड़ा करायत जो सांप है, जो भारत का सबसे विषैला सांप है, वो निकलना चालू हो गया है। तो मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि अब अपने घरों के आसपास थोड़ा सा साफ सफाई रखें। लोगों को अगर कभी स्नैक बाइट हो तो आप झाड़ फूँक बिल्कुल ना कराएं। तत्काल आप जिला चिकित्सालय जाएं और हमको सूचना दें। सांप निकलने पर तत्काल आप मुझे सूचना दे सकते हैं या तो फिर आप वन विभाग को सूचना दे सकते हैं। हम अभी वन विभाग से अधिकृत हैं रेस्क्यू के लिए। तो जब भी आपके घर के आसपास निकले, सांप हमको तत्काल सूचना दे। कभी भी अगर स्नैक बाइट हो तो आप बिल्कुल भी देरी ना करें, जल्द से जल्द आप जिला चिकित्सालय जाएं ताकि आपकी जान बच सके। और जो अभी घोड़ा करायत जो पहला सीजन का भी निकला है, वो भारत का सबसे खतरनाक सांप है, सबसे जहरीला सांप है, और उसके काटने से ज़्यादातर मौत होना तय है। इसलिए समय पर अगर आप उसका एंटीवेनम लग जाता है तो आप उससे बच सकते हैं। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा, इस पूरे कोरोना वायरस पे लगातार हम अपनी जान की परवाह किए बगैर हम अलग अलग क्षेत्रों में लगातार जा रहे हैं और सुरक्षित उनको रेस्क्यू कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें भी अपनी जान का खतरा रहता है, लेकिन हमारा कर्तव्य है इन चीज़ों को बचाना, लोगों की बचाना, ये हमारा पहला कर्तव्य है। तो जब भी अगर आपको सांप दिखता है, हम ज़रूर पहुँचेंगे। थोड़ा सा विलम्ब हो फिर भी आप उसका इंतज़ार करें, हम जब तक हम ना पहुँचे सांपों को देखते रहें। और मैं आम जनों से भी ये भी निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा कि आप इस वायरस को ख़त्म करने के लिए, तोड़ने के लिए, इस चैन को तोड़ने के लिए आप अपने घरों पर रहें और बाहर ना निकलें। जिला प्रशासन का निर्देशों का पालन भी करें और अपने घर परिवार को सुरक्षित रखें। 100 बेड कॉलोनी में राय सिस्टर, यहाँ बड़ा सा सांप घुसा था, तो भी आपको फ़ोन लगाए थे जितेंद्र सारथी को, आप तुरंत आए और सांप को निकाले और सुरक्षित निकाल लिए। हम आपका धन्यवाद देते हैं और कई बार आपको फ़ोन लगा डाले हैं, आप हमेशा आते हैं, सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, हम उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया के साथ ममता साहू की रिपोर्ट।